सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिक टॉपिक और जनरेट टूल और गूगल एडसेंस तुरंत अप्रूवल और रैंक हैशटैग #1 इजीली। तो गाइस इसके लिए आपको फुल वीडियो देखना होगा और इसमें क्या स्टेप रहने वाला हो सारे कुछ इस वीडियो में फुल बाय फुल कम्प्लीट बताने वाला हूँ। तो गाइस मैं फेस बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा गाइस, लेकिन वीडियो हम कुछ टॉपिक हमने फाइंड कर रहे थे इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था, ठीक है। तो आज ऑफकोर्सली मैंने टॉपिक फाइंड कर लिया है यूनिक टॉपिक और जनरेट टूल और गूगल एडसेंस तुरंत अप्रूवल और हैशटैग #1 इजीली पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो क्या है स्टेप ये सारे कुछ, तो ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको पता होगा कि ब्लॉगिंग से कितना अच्छा खासा अर्निंग आता है जब ब्लॉग हमारा रैंक में चला जाता है और इससे इंप्रेशन भी ज़्यादा आता है और गूगल एडसेंस हमारी अर्निंग को इम्प्रूव करता है। तो गाइस इसी वीडियो में हम लोग पूरा इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा और ख़ास टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो है यूनिक टॉपिक, यानी आपको खुद से टॉपिक जनरेट करना होगा। अगर आप वर्डप्रेस पर हो तो आप इजीली ही अपने ब्लॉग को एसईओ कर सकते हो, बट आप कॉपी क्लेम वाला टॉपिक नहीं बना सकते हो। अगर कॉपी कलम वाला कोई भी चीज़ बनाते हो, यानी किसी का कॉपी कर उसमें चेंज नहीं किया ऐसे ही बना दिया, तो वहाँ पर है जो कि आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा। अगर आपको आप यूनिक टॉपिक यानी अपने माइंडेबल से सोचते हैं और अपने माइंडेबल से क्रिएट करते हैं तो आप लोग का इजीली ही रैंक करेगा और वहाँ पर एसईओ का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा और एसईओ आप आसानी से वहाँ कर सकते हैं इजीली। वहाँ पर बड़े बड़े अति HTML कोडिंग जो कि कोडिंग द्वारा आप वहाँ पर SEO कर सकते हैं, योस्ट कोडिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप कर सकते हैं। और उसके बाद जनरेट टूल है, तो जनरेट टूल में हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वॉइस टॉपिंग के द्वारा, वॉइस टॉपिंग द्वारा हिंदी में भी हम लोग यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट में बोलकर जो जो आर्टिकल हमें जिस टॉपिक पर लिखना है उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और जो नॉलेज आपको है वहाँ पर आप बोल दीजिए। और आप ज़्यादातर तो आप लोग का जो ब्लॉगिंग है वो इंग्लिश में ज़्यादा रैंक करता है गूगल के अंदर, तो इसलिए आपको ब्लॉगिंग है जो कि गूगल को यानी कि इंग्लिश में ज़्यादा लिखना है। अगर इंग्लिश में आप लोग लिखते हैं और इंग्लिश टाइटल देते हैं तो इजीली ही आपका ब्लॉग है जो कि गूगल इंडेक्स करेगा और इजीली इंटरनेशनल ट्रैफिक तक दिखाएगा। इंटरनेशनल ट्रैफिक से ये होता है गाइस कि जो अर्निंग आपका है गूगल एडसेंस के अंदर वो ज़्यादातर इम्प्रूव होता रहता है और बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में दिखाया जाता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जैसे US हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे ऐसे देशों में है जो कि अगर आपका जो ट्रैफिक है वो गरीब देश से आ रहा, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारा ऐसे देश है जो कि आता है जो कि गरीब देश के रूप रेखा में आता है, वहाँ से आता है आपका ट्रैफिक, तो आपको अर्निंग कब होने की चांस है। अगर आपको US, ब्रिटेन ये सब से आता है तो आपका अर्निंग बढ़ने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आपको जनरेट टूल काफ़ी मदद करेगा इंग्लिश हो या हिंदी। और गूगल एडसेंस का तुरंत अप्रूवल लेने के लिए आपको यूनिक टॉपिक होना चाहिए और यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। तो यूनिक आर्टिकल हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बंदा, तो उस लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग को जनरेट टूल सबसे अच्छा रहेगा। और जनरेट टूल में आपको सबसे पहले यूज करना होगा गूगल डॉक्यूमेंट का। गूगल डॉक्यूमेंट लैपटॉप में बहुत अच्छा से वर्क करता है, तो लैपटॉप में आपको चलाना होगा। अगर मोबाइल है तो ये आपको कम ऑप्शन देता है मोबाइल के अंदर, और लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेटिंग करना पड़ता है, इंग्लिश है तो हिंदी करना पड़ता है उसको, तब जाकर यह वर्क करता है। ओके गाइस, और गूगल एडसेंस का तुरंत अप्रूवल लेने के लिए आपको जनरेट टूल काफ़ी काम आएगा और रैंक भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो जब भी आपका गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाता है पोस्ट, तो आपको गूगल है जो कि तुरंत अप्रूवल भी दे देगा, बट उसके लिए आपका यूनिक टॉपिक, यूनिक इमेज, यूनिक टाइटल, हैंड राइटिंग ये सब होना चाहिए, तब जाकर आपको अप्रूवल मिलेगा, ना तो वरना वो रिजेक्ट कर देगा। गूगल के ये पॉलिसी है, ओके गाइस, और उसके पॉलिसी के खिलाफ आप जाएंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर देगा गूगल एडसेंस के लिए, तो आपको डिसक्वालीफाई नहीं होना है,
तो आपको ये चीज़ मध्य ध्यान में रखना होगा। अगर ध्यान में आप रखते हैं और चलते हैं तो आप इजीली ही गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हैं, उसके बाद वो HTML कोडिंग देता होगा। गाइस तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक मस्त लगा होगा।